नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। आज अखिल भारतीय जन संघर्ष पार्टी का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया, जहां पर अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शैलेंद्र चंद्र पासी ने कलेक्ट्रेट शिक्षा स्टैंड पर संपन्न किया। साथ ही अध्यक्ष ने बताया कि सरकार में गरीब किसान मजदूर का शोषण किया जा रहा है और सरकारी क्षेत्र में कोई भी कार्य नहीं कर रही है, बल्कि पूंजीपतियों को मजबूत करने का कार्य किया जा रहा है और पूरे प्रदेश में सरकार केवल एक जात के लिए कार्य कर रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री उसी जात से संबंध रखते हैं। इस तरह के सरकार को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, उसको उखाड़ के लिए कृत संकल्प है। साथ ही उन्होंने बताया कि 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी बूथ स्तर पर कार्यकर्ता बनाने का काम कर रही है और आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, फैजाबाद से गोरखपुर के जिलों में पार्टी अपना संगठन खड़ा कर रही है और आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने का कार्य करेगी। पार्टी उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी से समझौता करके चुनाव नहीं लड़ेगी। साथ ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने बताया कि आज देश में सुप्रीम कोर्ट आदेश के खिलाफ आंदोलन हो रहा है, जबकि बिना संघर्ष के कोई भी अधिकार मिलने वाला नहीं है। लेकिन 2010 में उत्तर प्रदेश सुश्री मायावती मुख्यमंत्री थी और SC ST एक्ट में बिना जांच के FIR नहीं किया जा सकता है और न ही गिरफ्तारी किया जा सकता है। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया तो इसमें देश में अराजकता फैलाने का क्या उचित है। जयाध्यक्ष ने बताया कि पार्टी निचले पायदान पर रहने वाले लोगों के हक दिलाने के लिए 24 घंटे संघर्ष करती रहेगी, क्योंकि पार्टी मजदूरों के स्वाभिमान के लिए बनाई गई है, इसलिए उनके हक के लिए लड़ती रहेगी और उनके साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेगी। साथ ही किसी जाति, मजहब, धर्म के हो, इससे ऊपर उठकर पार्टी कार्य करती रहेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि पार्टी मनरेगा मजदूरों को काम दिलाने के लिए प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पर धरना आंदोलन का कार्य करने जा रही है। समाज में एक मैसेज है कि हम पार्टी बना के हम लोगों ने गरीब किसान मजदूरों के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मजदूर 78% है, लेकिन 78% के लिए गवर्नमेंट के पास कोई एजेंडा नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं है। उसके विरोध हम लोगों की योजना है कि इन 78% को संगठित करके उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट बनाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं और पार्टी का संगठन नेटवर्क गाँव गाँव कर रहे हैं और हम लोग उम्मीद है कि हमारा संगठन खड़ा होकर उत्तर प्रदेश में ताकत बनकर के उभरेगा। पार्टी का मुख्य एजेंडा क्या है? मुख्य एजेंडा उत्तर प्रदेश में गरीब किसान मजदूरों मजलूमों को न्याय देने का, सामाजिक न्याय हमारा मुख्य एजेंडा है।